देश के करीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायत को अच्छे तरह कैसे काम करने के लिए बीबीएनएल के माध्यम से ओएफसी कनेक्टिविटी देने की अंदर मीटिंग मत किया करो, सदन के बाहर किया करो, केंद्र सरकार के माध्यम से की गई। मेरा प्रश्न था अधिकार है और प्रश्न के उत्तर में करीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायत में से 1,80,709 ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े गए हैं। मेरे क्षेत्र के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिले के कितने ग्राम पंचायती को ओएफसी कनेक्टिविटी होकर आज तक ग्राम पंचायती का कार्यान्वय हो रहा है। उत्तर में लिखा है अध्यक्ष महोदय 721 इतने ग्राम पंचायत को ओएफसी देकर उन्होंने कार्यान्वित किया है, लेकिन मेरे जानकारी से शुरू में कई ग्राम पंचायती ने ये पैकेज लिया था और उसका इस्तेमाल चालू किया था, लेकिन बाद में एक 6 महीने के बाद सारे के सारे बहुत से ग्राम पंचायत ने ये अपनी सर्विस बंद कर दी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अच्छी एक योजना थी लेकिन उसको सक्सेस होने के लिए क्या कठिनाई है, उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, इम्प्लीमेंटेशन है दो तरीके से हुआ है। बहुत सारे राज्यों में केंद्र सरकार ने डायरेक्टली बीबीएनएल के जरिए या बीएसएनएल के जरिए से किया है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि हम अपने आप करना चाहेंगे और उन राज्यों को फिर स्टेट लेड मॉडल में दिया गया। महाराष्ट्र भी एक ऐसा स्टेट है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि हम ये काम अपने हाथों में लेना चाहेंगे, तो ये काम उनको दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली 2-2.5 साल तक करीब जो बहुत अच्छा काम का पीरियड था, उस पीरियड में काम कुछ विशेष हुआ नहीं। अब इस काम में तेजी आ रही है और जो माननीय सांसद महोदय का क्षेत्र है उसमें भी काम में बहुत तेज गति से अभी काम आ रहा है। कि इस बीबीएनएल को और कोई प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी को अटैच करके ये स्कीम चालू करने की सरकार का कुछ ब्यौरा है क्या? बीबीएनएल को बीएसएनएल के साथ मर्ज किया जा रहा है, क्योंकि दो अलग अलग कंपनी होने से इस तरह की व्यवस्था हो रही थी कि इंटरनेशनल बैंडविड्थ की जो पाइपलाइन आती थी उसके आगे बीएसएनएल और बीबीएनएल, इसके बीच में हमेशा कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती थी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक अच्छा निर्णय लिया कि बीबीएनएल और बीएसएनएल को मर्ज कर दें, जिससे कि सीमलेस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंडविड्थ पहुंचे।